हरी मिर्च जो जो खाना चाहता है ना वो कमेंट कर देना यार। तो निशांत भैया पहले बता रहे थे हम लोगों को तंदूर के बारे में, ये क्या होता है यार? तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे फार्मर्स होम स्टे, और यहाँ पे क्या है, हेजल को ना एक डॉगी दिख गया, डर रही है बेचारी। हाँ, हेजल को एक डॉगी दिख गया, अब डर रही है ये। हेजल का डर कैसे निकालेंगे? यार सिर्फ हमारी आवाज गूंज रही है। हाँ, सिर्फ हमारी आवाज गूंज रही है यहाँ पे। पर ये देखो, ये पीछे जो है इतना मस्त बर्फ का पहाड़ है ना यार, ये और ये हमारा होम स्टे। हेलो भैया, बढ़िया भैया बढ़िया। ये जो है निशांत भैया, नितिन भैया का नाम तो जो है ना, पहले भी कोई फ्रेंड्स आए थे हम लोगों के। अच्छा, तो नितिन भैया से ही बात हुई थी मेरी। ये नितिन भैया के बड़े भी हैं, छोटे भाई। हाँ, अच्छा अच्छा छोटे भाई। हाँ, छोटा डाइनिंग बेटा, कुछ नहीं कहता ये हेजल जो है, ये डॉगी से डर रही है बेटा, बहुत प्यारा डॉगी है। नमस्ते। हाँ भैया, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ जी। सो ये हमारा डाइनिंग रूम नहीं भैया, ये लिविंग रूम है ना एक तरीके से, आपने बना रखा है, मैंने पहले भी देखा है। ये जो है ये यहाँ पे बॉनफायर बेटा इसके अंदर होगा, इसमें इसको अंगीठी बोलते हैं, ये ट्रेडिशन रिलेटेड ही चीजें हैं, और ये अंगीठी होती है। ठंड बहुत है यार यहाँ पे। सो हेजल को जो है बिस्किट मिले हैं यहाँ पे, बिस्किट आई है और चाय आ रही है इतनी ठंड में यार। अभी अभी पता चला हमारे को -2 टेम्परेचर होगा यहाँ पे अभी। अंगीठी है, लकड़ियां जल रही हैं अंदर, मजेदार काम है। चैनल का नाम क्या भैया का? फन विद खन्नास। हेलीपैड है? हेलीपैड क्लिक कर लेना। हेलीपैड तो वही है जो नहीं, ये शिशु का अलग है। अच्छा, हमारे गांव का अलग है। अच्छा, यहाँ भी हेलीपैड बना हुआ है? हाँ, पहले टाइम ऐसा होता था ना कि टनल खुलने से पहले रोहतांग टॉप से होके आते थे। हाँ, तो 6 महीना का टॉप हो जाता था, बर्फ ज्यादा पड़ता था रोहतांग साइड में ना। फिर उस टाइम ऐसा होता था जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार हो गया, तो फिर वो क्या होते हैं रेडियो के थ्रू बुला लेते थे। आर्मी वाले आ जाते होंगे और हेलीकॉप्टर। हाँ, हेलीकॉप्टर आती थी ना, हिमाचल सरकार गवर्नमेंट की, फिर वो आ जाते, फिर वो पेशेंट को लेके चल जाता है। या आपने जाना हो तो आप भी जा सकते हैं। नॉर्मल टैक्सी का रेंट होता है कितना? 1500 कुछ रुपये था। अच्छा, 1500 में ही आप मतलब जो है आगे यहाँ से ले जाते थे? ले जाता है। सही है फिर तो, उसमें कम से कम 4-5 बंदे तो चले ही जाते होंगे। 22 बंदे चले जाते, बड़ा हेलीकॉप्टर आता ना, 22 बंदे 1500 रुपये में यहाँ से मतलब क्रॉस कर जाते। क्रॉस करके मनाली उतरते थे, बुंतर। अच्छा, बुंतर एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट है ना वहाँ पे। तो हमारा नॉर्मली क्या होता है, ये तो ऐसे गेस्ट के लिए तंदूर रखा है ना। हाँ, जो हम लोग खुद बैठते हैं ना वो थोड़ा ऐसा फ्लैट हुए होता है। अच्छा, तो आग डाला आपने उसी में, पीछे दाल चढ़ा दिया, इधर रोटी बनाओ, इधर दूध वगैरह चढ़ा दिया, खाने का उसी में खाना सारा, उसी में सारा खाना। जैसे ये पतीला रखा हुआ ऊपर, हाँ, इसमें पानी डाला है, पानी डाला है, इसी हिसाब से बने होंगे सारा, उसी खाना सारे ऐसे बनते हैं, और उसमें टेस्ट भी थोड़ा आता है। तो यारो, कुछ मिनटों में ही कब हम अजनबी से इस परिवार का हिस्सा बन गए पता ही नहीं चला, और इसीलिए तो हम होम स्टे में आए थे, टू लिव इन द होम ऑफ लाहौल एंड स्पिति, सो दैट हम यहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके।
ये देखो ये व्यू है, यहाँ पे शाम के 6 बजे हैं अभी और प्रॉपर अंधेरा हो चुका है। सामने ये जो है कैसा लग रहा है निकिता? बहुत प्यारा। 6 बजे हैं, -5 टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे। इसको किसी जन्नत में आ गए हैं। ये देखो जी -5 टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे यहाँ का। 6 बजे हैं अभी और बहुत ठंड हो रही है, ज्यादा ठंड है। हल्की सी भी गर्मी नहीं है। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है सबसे पहली बात तो, लेकिन मजा भी आ रहा है यार। पर इतनी भी मतलब ऐसा नहीं है कि जम गए वाली बात है। मनाली से हाई 2-3 लेवल ऊपर ठंड है यहाँ पे, हाई लेवल ठंड। मनाली क्राउडेड है, यहाँ शांति है, यहाँ क्या लग रहा है बेटा आपको? इसको देखो पूरी पैक हो रखी है ये नीचे से ऊपर तक। मम्मी ने पहना रखा है। कल मैं इसकी लेयरिंग दिखाऊंगी। 4-5 लेयरिंग है, कोई फुल कोटेड है। 5-6 कपड़े पहने अंदर है ना। मम्मी को कितने कपड़े पहनाऊंगी? अबे कम से कम 15। यार ये मस्त जगह लगी मुझे, ये जो है ना छोटा सा डाइनिंग टेबल है बाहर पड़ा हुआ और देसी स्टाइल में है बिल्कुल। मजा आ जाएगा इसमें, सुबह बैठेंगे। सुबह ऐसे करके बैठेंगे ना, अभी ऐसा फील हो रहा है कि बस माउंटेन्स में टच कर रहे हैं, थोड़ा इतना पास लग रहा है। ये सही बोला, ये टेंट है। पर यार 6 बजे का शाम का टाइम दिल्ली में तो इस टाइम अलग ही हो रहा होता है, इस टाइम यहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर होना है यार। क्रॉस करने के बाद जो व्यू था यहाँ होम से तक वो अमेजिंग था। पूरे रास्ते में सिर्फ ये माउंटेन्स और एक साथ रिवर। मुझे बोलने दो ये जो रास्ता है पहाड़ों में नीचे नीचे चलना ना, मन कर रहा था बर्फ को टच लगा के बेटा। अच्छा ये जो है इनकी अंगीठी है यार, इसी से सारा काम चलता है। अब यहाँ पे अगर इनको काम करना तो अंगीठी मस्त है इनके लिए। बहुत बहुत ठंड है यार यहाँ पे, बहुत ठंड है। सो फाइनली हम लोग मजे ले रहे हैं। शाम के 6 बजे हम 6 बजे ऐसे लग रहा है कि रात के 12 बज चुके हैं और फुल ऑन मज़े हो रहे हैं यहाँ पे। ठंड के मज़े ले रहे हैं, होम स्टे के मज़े ले रहे हैं, शांति के मज़े ले रहे हैं, सुकून के मजे ले रहे और जन्नत के हेजल तो जन्नत के मजे ले। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे चांद नजर आ रहा है दूसरी साइड पे, तभी मेरी आंखें जो है ना वो थोड़ी उस साइड जा रही है। पता नहीं इसमें जो है वो प्रॉपर दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे नजर आ रहा है वही स्टार्स दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा चांद नजर आ रहा है, मतलब वो पहाड़ के ऊपर निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। मैंने सारे ठंड के गैजेट पहन लिए, फिर भी अभी तक मुझे ठंड लग रही है। अच्छा कैसे कैसे गैजेट बेटा? अंदर हीटर लगा रखे हैं आपने? ठंड के गैजेट हैं? गैजेट क्या होते हैं ठंड के? गैजेट ट्रेन के अंदर हीटर लगा रखे हैं आपने? आपने लगा रखे हैं वो 3-4 कपड़े पहन के। मैं देखे हैं अभी प्रॉपर डिनर के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और लोकल फूड या फिर क्या बना रहे हैं, मजा आएगा यार। सुबह के 6 o'clock लग रहे हैं मुझे। तो अब अंदर चलते हैं यार, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है और थोड़ी देर और रहे ना यहाँ पे, टेम्परेचर जैसे गिरेगा ना जम जाएंगे, जमते जाएंगे। तो चलो आ जाओ अंदर चलते हैं, अंदर का टूर करते हैं, क्या क्या है अंदर, कैसे। यार यहाँ पर शूज़ हम लोगों को बाहर ही उतारने पड़ते हैं, पर ये लोग जो है हमारे को चप्पल दे देते हैं। हेज़ल हटो आगे से,
ये देखो ये अंदर आ गए, यहाँ पे शूज़ बाहर और चप्पल मिल जाती है अंदर पहनने के लिए। तो हेज़ल के शूज़ उतर रहे, हेज़ल को शूज़ से इतना प्यार हो चुका है यार। एक तो लेके आई है गाड़ी में, मैंने क्या हुआ पानी की बॉटल रख दी इसके ऊपर। मैंने बोला कि कोई भी मेरे शूज़ के सामने कोई कुछ रखेगा तो मैं उससे इकट्ठी हो जाऊंगी। मतलब शूज के ऊपर पानी की बॉटल टच हो रही है तो उसमें भी इसको प्रॉब्लम होगी। आज लेके आई है, बूट्स चाहिए मेरे को, बूट्स चाहिए। ऐसा तो बेटा हो गए, रख दो नीचे। शूज का, बूट्स का सोने का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, रखो रखो। देखो नींद आ रही है क्या इसको? नींद आ रही है क्या आपको? आ रही है वो तो। नींद तो बूट्स को आ रही है क्या? अभी तो 6 बजे है बेटा, बूट्स को कैसे नींद आ सकती है? वो रात को 12 बजे सो जाता है। तो अभी तो 6 बजे है। अभी उनका खाना आ रहा है। ये तो ये चप्पल है ना, हाँ खा लेंगे ये और सो जाएंगे। अच्छा इसको देखो, इसको सबसे ज्यादा ठंड लगती है और आज सबसे ज्यादा मजे ये ले रही है। चेन भी बंद हो रही है, फिर रखा जाएगा। बूट से ज्यादा महंगे ग्लव्स हैं, वो फट जाएं कोई दिक्कत नहीं है चेन में आके। तो ये तो मनाली छोड़ के जाओगे ना बूट्स बेटा, घर थोड़ी लेके जाने। फिर लेके जाऊंगी। लेके जाओगे? अंदर चलते हैं। ये जो है ये लिविंग एरिया टाइप है, ये अंकल जी हमारे। ये यहाँ पे सारे जो है स्टार्टिंग का ट्रेडिशन भी होता है यहाँ पे। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए आज, और ये साथ में किचन है, दरवाज़ा भी बंद है, सारी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। भैया आप? मैं आशीष हूँ, गुड़गांव से। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ हम नेबर ही हैं। ये जो है किचन की प्रिपरेशन चल रही है सारी, मतलब हम लोग को देख के मज़ा आ रहा है। ये नितिन भैया हैं, इनसे शाम को मिलना नहीं हुआ, बात शुरू से इनसे हो रही थी जी, जी। और राशि ने लिंक दिया तो मैं यहाँ पहुँच पाया। राशि उसका फोन, तो यहाँ आने में मेरा उसी का क्रेडिट है सारा। तो ये सारी प्रिपरेशन हो रही है और हम लोगों के मुंह में अभी से बहुत पानी आ रहा है। भैया क्या क्या बना रहे हो आज? भैया अभी तो फिलहाल भुर्जी बना रहा हूँ, स्वेज बनाएंगे या फिर देखते हैं कौन सी सब्जी बनाए। मजे आने वाले, दाल राजमा है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में आज तो। अच्छा सो मज़े आने वाले हैं, फुल ऑन यार आज तो। और इतना सब है मेन्यू में, बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है। ठंड में तो खाने का मज़ा ही अलग आ जाता है इधर। क्या लगता है? हरी मिर्च जो जो खाना चाहता है ना वो कमेंट कर देना यार। टेम्पटिंग सी लग रही है और आपको तो बहुत ही लगने वाली है। उसका रिजल्ट सुबह पता। सही कह रहे हैं भैया, पापा हाँ हाँ ये थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। ठंड में सब चलेगा, ठंड में मजा आता है। हाँ तो निशांत भैया पहले बता रहे थे हम लोगों को तंदूर के बारे में, ये क्या होता है यार? ये रूम में ही सिस्टम होता है यहाँ पे। निशांत भैया बता रहे थे कि हम लोग रूम में रख देते हैं, ये तंदूर है, इसमें बैठे भी रहते हैं, रूम की हीटिंग भी होती रहती है। और जो है ये ऊपर जो है इस ऊपर से अटैच है, और खाना भी साथ साथ बनता रहता है। चपाती उसी में बनेगी। अच्छा चपाती सारी इसी में बनेगी। हाँ हाँ अच्छा हाँ पास नॉर्मल ठंडा होगा। तो जब बहुत ठंड हो जाती है, मतलब बर्फ होगी, आना जाना पॉसिबल नहीं होता, तो सारी मतलब मैंने सुना प्याज भी जो होता है उसका पाउडर चलता है यहाँ पे, मतलब सारी चीजें नहीं ऐसा नहीं स्टॉक रखते हो सारा? हम लोग जैसे जहाँ हम लोग गाय रखते हैं ना, हाँ हाँ गौशाला, हाँ गौशाला बोलते हैं, मतलब खुदाई करके हाँ हाँ जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। अच्छा 6 महीने पूरा फ्रेश रहता है, 6 महीने बाद भी निकालो पूरा फ्रेश। मतलब ये जमीन में गाड़ते तो 6 महीने तक फ्रेश रहेगा सारी चीज़? आलू गोभी मूली शलगम ये सारे सारी सब्जियाँ, मतलब जो महीना हाँ हाँ गाड़ियाँ पहुँच जाती है। हाँ 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 सो भैया की जो है अभी किचन में सारी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब फुल ऑन मज़े चल रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों का खाना रेडी हो रहा है और हम लोग थोड़ा सा जो है
टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि उनकी प्रिपरेशन चल रही है। बड़ा मस्सा बना रहे हैं, मतलब खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, खाने में तो मज़ा आ जाएगा। ये अंकल जी हमारे नितिन मेरी अंकल और ये हमारे को दिखा रहे हैं मतलब लकड़ियों का सर्दियों के लिए सारा स्टॉक। इतने अंकल इतनी लकड़ियों से काम चल जाएगा या और भी? अच्छा ऊपर रखा है इससे तो मतलब मेरे ख्याल से महीना। मैं आप दिखाता हूँ तो ये देखो, ये इतना स्टॉक इतना करके रखा हुआ है। हेलो यार, यहाँ पे ना बहुत एटमॉस्फेयर जो है यहाँ का बड़ा मस्त है। यहाँ मैंने देखा है कि लोग आते हैं, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं और वो इतना उनका ग्रुप बन गया, दोस्ती यारी बन गई और वो सारे अभी बातचीत होती है। मतलब एटमॉस्फेयर जो बना रखा है ना यहाँ पे बहुत मस्त बना रखा है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। अभी मैं मिला तो कुछ असम से आए हुए हैं, कुछ गुवाहाटी से आए हुए हैं असम से, और कुछ गुड़गांव से आए हुए हैं एक भैया। तो मज़ा है ना यार, सारे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और सारे साथ में ही बैठ रहे हैं। होम स्टे का जो मज़ा आ रहा है, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम है मेरा होम स्टे के अंदर और एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा दिख रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हम लोग ऐसे रेफरेंस से आए हैं जिन्होंने सारा बताया है। अरे मुझे तो इसको ले लेता हूँ यार, इसको दिखाओ। यार ये अलग लेवल की चीज है हमारे पास और हमारे पास ही है। तो ये जो है नितिन भैया की स्पेशल फॉर्मूले वाली है जो मैं रेफरेंस मिला मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया इस बारे में भैया। एक भाई कम है शायद ना, एक भाई दे दीजिए। अंकल कुछ और ही है। ये क्या चीज है भैया जो आप लगा रहे हो ग्लास में? मक्खन है ये हमारे देसी भी उसमें ना। हाँ मक्खन शराब पानी ठीक चलेगा। अच्छा अच्छा करवा लो फिर। अच्छा विश करनी है, ये ट्रेडिशन है यहाँ पे और ये लेके इसमें विश मांगनी है, कोई विश आपकी पूरी होगी बेटा। ठीक है कोई सी भी विश। अच्छा
अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक बात है, ठीक है चलो आप सो अंकल से जो पूछा जो पता चला हमारे को यहाँ पे जो है जो भी कोई बाहर से आता है जैसे साल में आता है या फिर कोई रिलेटिव आता है तो यही इनका सिस्टम है, ट्रेडिशन है। और मक्खन जो ये लगाते हैं ग्लास पे भी मक्खन बटर लगा के और मतलब जो भी वाइन वगैरह जो चलती है और सारा उसी हिसाब से ये हमारे साथ भी कर रहे हैं और हमें सही में बहुत खुशी हो रही है अंकल, आप हमें भी बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे हो जो मतलब फैमिली की तरह ट्रीट हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एज अ फैमिली हो रहे हैं और देख के और फील करके बहुत मजा आ रहा है। उसमें गोभी गाजर मटर शिमला मिर्च सारी वेजिटेबल्स है। तो यार मतलब ठंड इतनी लग रही है यहाँ पे तो मतलब -12 से -13 डिग्री हो रखा है यहाँ पे और अभी क्या टाइम है टाइम देखना है, किसी का हाथ चल रहा है क्या चल रहा है हाथ जम रहे हैं। अभी मैं बाहर गया, बाहर ये हालत है कि हाथ अगर ऐसे है ना तो ऐसे रहे, ऐसे करने में दिक्कत हो रही है यार। 11 बजे हैं यार और मतलब -12 -13 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम, ठंड भी बहुत है। ब्लैंकेट जो है हीटर फेल हो गए। तू बता दे बेटा, तू बता दे अपना एक्सपीरियंस। तो यार अब सोते हैं, रात बहुत होगी, ठंड भी बहुत है, जुगाड़ बना के सोते हैं एक बार कैसे भी करके। ठंड है, अच्छी ठंड है, -12 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं होता है। हमने तो कम पहली बार है हमारे साथ जो -12 में हम हैं और ठीक है, अंदर का माहौल ठीक है। तो सोते हैं, सुबह मिलते हैं। ये देखो यार, ये सुबह का टाइम है, 9 बजे हम उठे और ये भाई ने अपनी गाड़ी खोली और ये बॉटल निकाली है, तो बॉटल में पूरा पूरा पानी जमा हुआ है यार। ये अभी तो मैंने अपनी गाड़ी खोली नहीं, हो सकता है मेरी गाड़ी के अंदर भी यही हाल हो पानी जम गया तो हम कैसे नहीं जमेंगे खुल तो रही है कम से कम गाड़ी नहीं मैं स्टार्ट करके देखता हूँ स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। भाई ये कैमरा पकड़ो एक बार, मैं सारी बुलाऊंगा। तो यार एक बार मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही है रात भर में खड़े होने के बाद, तो अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा जाने का पंगा कम रहेगा और जिस हिसाब से पानी जम रहा है तो इंजन जमना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हम लोग जहाँ आगे जाना चाहते हैं जा सकते हैं और हम भी थोड़ा थोड़ा पिघल रहे हैं, आते हैं धीरे धीरे नीचे और आपसे मिलते हैं। बहुत ही मस्त सी फीलिंग है ये, सब ऐसे घुल मिल गए जैसे बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। एंड ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड तो होता ही है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा अंकल जी के साथ ही आया। एंड देन हमें ब्रेकफास्ट परोसा गया जिसमें हमें मस्त मस्त आलू पूड़ी मिले
इतनी ठंड में गरम गरम आलू पूड़ी का मज़ा ही अलग आया। और नहाने के लिए यहाँ पे हॉट वाटर भी अवेलेबल है, जिससे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला हम लोगों को। सो अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं यार। सो जैसा सुना था वैसा ही पाया, नितिन भैया एंड फैमिली की हॉस्पिटैलिटी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी है यार। सही में लाहौल में फैमिली बना के जा रहे हैं। एंड चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एंड इसी के साथ सबसे अलविदा लेते हैं। एंड अब मिलेंगे नए व्लॉग में नई जगह। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को।